हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इजी कूपन डील। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोया की तरफ से आने वाले इस BY-M1 माइक के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये एक लेवलियर माइक है जो कि काफ़ी यूज़ होता है कॉन्फ्रेंस में, मीटिंग में, और ज़्यादातर लोग इसको यूट्यूब पे वीडियोस बनाने के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी लाउड आती है और काफ़ी हद तक के बैकग्राउंड नॉइज़ को जो है कट कर देता है। तो करेंगे इसको अनबॉक्स, देखेंगे कि आपको क्या क्या मिलता है इसके अंदर और इसकी ऑडियो क्वालिटी में जो ये कैप्चर करता है और जो नॉर्मल माइक होता है हमारे फ़ोन का उसमें कितना डिफरेंस है, क्या ये लेना वर्थ है या नहीं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही अनबॉक्सिंग, रिव्यूज़ और कैशबैक कूपन से रिलेटेड वीडियोज़ लेके आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके अनबॉक्सिंग। तो फ्रेंड्स, आपको सामने की तरफ इस तरह का कुछ पाउच मिलता है और इस पर बोया की ब्रांडिंग है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये पाउच है, तो इसको हम साइड में रखते हैं। और आपको सामने कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिलती है, इसमें जो है इसका यूज़र मैनुअल है बोया के माइक का, और इसमें आपको एक और पेपर मिलता है जो कि इससे इसके वारंटी से रिलेटेड है। जी हाँ, तो करते हैं इनसे जो साइड और बात करते हैं अपने माइक्रोफोन के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस तरह का ऐसा कुछ पाउच आता है, इसको हम जल्दी से खोलते हैं और उसके अंदर देखते हैं क्या क्या हमको मिलता है। सबसे पहले यहाँ पर आपको माइक्रोफोन मिल जाता है और काफ़ी लंबी केबल इसमें आपको मिलती है, और यह है इसका माइक्रोफोन और देखते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है। और तो इसके अंदर आपको कुछ नहीं मिलता, तो यहाँ पे बात करते हैं क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले इसको खोल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें मिलता है आपको फोम विंड स्क्रीन, यानी कि इसको आप अपने माइक पर ला सकते हैं और इससे काफ़ी जो विंड नॉइस है ये कट कर देगा। तो और देखते हैं क्या क्या मिलता है आपको इसमें। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको एक क्लिपिंग मिलती है जो कि आप लगा के अपने इसको कपड़े पे लगा सकते हैं, क्लॉथ पे लगा सकते हैं। और इसमें आपको एक पावर अडेप्टर मिलता है जो कि आप अगर आप कैमरा यूज़ करते हैं, DSLR वगैरह, तो इसको यूज़ करके आप अपने माइक को पावर दे सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप फ़ोन से यूज़ करते हैं, लैपटॉप से यूज़ करते हैं, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आप सीधा अपने 3.5 mm वाले जैक में लगा के इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें और एक लास्ट एंड फाइनल चीज़ को, तो यहाँ पे आपको एक बैटरी बटन सेल मिलता है जो छोटा वाला बटन सेल होता है, और अगर आप कैमरे से इसको यूज़ कर रहे हैं तभी आप इसको लगाइएगा, नहीं तो इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन से ही ऑटोमेटिकली पावर ले लेता है, बट कैमरा में यूज़ करते समय ये लगाना आपको ज़रूरी है। तो अब हम इसको लगाते हैं अपने फ़ोन में और देखते हैं कि इसकी आवाज़ में कितना डिफरेंस है और फ़ोन की जो आवाज़ है, फ़ोन के माइक की जो आवाज़ है उसमें कितना डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, अब जो आवाज़ आप सुन पा रहे हैं वो है इस बोया BY-M1 माइक से, और आपको पता चल रहा होगा कितना डिफरेंस है आवाज़ में, क्लैरिटी में, बैकग्राउंड नॉइज़ कितना ही कट कर रहा है या नहीं, और मेरी आवाज़ आपको पहले से कितनी क्लियर आ रही है और क्या डिफरेंस आपको अच्छे तरीके से पता चल रहा होगा। तो अब मैं अगेन शिफ्ट करने वाला हूँ फ़ोन के माइक में, जिससे कि आपको और अच्छे से पता चले। तो फ्रेंड्स, अब जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो हो रही है फ़ोन के माइक से, और यहाँ पे इस समय मैंने कोई भी एक्सटर्नल माइक्रोफोन नहीं लगा रखा, तो आप अच्छे तरीके से डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे और आपको पता चल गया होगा कि कितना डिफरेंस है इस माइक में और फ़ोन के माइक्रोफोन में। और फ्रेंड्स, मैं अपना ओपिनियन दूँ तो फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ साफ साफ है कि इसमें आपको लाउडनेस तो ज़्यादा मिलती ही मिलती है, क्लैरिटी ज़्यादा मिलती है आपकी आवाज़ जब आप इससे रिकॉर्ड करेंगे, तो आपको ये फील होगा कि हमारी आवाज़ पहले से और ज़्यादा लाउड क्लियर आ रही है। लेकिन बात करें फ्रेंड्स नॉइज़ कैंसिलेशन की, तो देखिए नॉइज़ कैंसिलेशन इसमें इतना कुछ खास नहीं है कि बिल्कुल साइड में कुछ बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है तो ये रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो ये ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन है, जैसे कि आपको मैं पीछे दिखा दूँ, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि ये ओमनी डायरेक्शनल है, तो ये चारों तरफ से जो है आवाज़ पिक करता है। लेकिन ये है कि आपकी जो आवाज़ होगी, ये मतलब जो भी आवाज़ पिक करता है ना वो लाउड पिक करता है, ठीक है, क्लियर पिक करता है। तो फ़ोन में और इसमें तो डिफरेंस है, लेकिन ये नहीं कि आप इसको शोर शराबे वाले जगह जाकर रिकॉर्ड करेंगे तो ये
काफ़ी बहुत ज़्यादा क्लियर आवाज़ देगा विदाउट बैकग्राउंड नॉइज़, तो ऐसा नहीं है। आपको शांत जगह पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और शांत जगह पे जब इससे रिकॉर्ड करेंगे और अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करेंगे तो आपको क्लियर डिफरेंस दिखेगा कि हाँ इसकी आवाज़ जो है थोड़ी बेहतर है, क्लियर है, लाउड है, और फ़ोन की में उतनी अच्छी नहीं आ पाती या फिर कहीं ना कहीं गूंजती है। तो ये चीज़ इसमें एक प्लस पॉइंट है। बाकी इतना कुछ इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन बहुत हाई लेवल का नहीं है, ठीक ठाक है। और फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, यही बताना था। और ये फ्रेंड्स जो माइक है आपको 600 से 700 रुपए के अराउंड मिल जाएगा, और उतने में फ्रेंड्स ये लेना बिल्कुल मैं तो कहूँगा वर्थ है, आप ले सकते हैं, ना ज़्यादा कॉस्टली है, और आवाज़ भी अच्छी रिकॉर्ड करता है, लाउड करता है, क्लियर करता है, जैसे कि मैंने आपको बोला भी। और शांत जगह में या फिर किसी एक जगह पे आप बैठ के बनाते हैं वीडियोस तो बिल्कुल बेस्ट है उसके लिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर से एक बार लाइक करना और शेयर करना ना भूलें वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। और मोर कैशबैक ऑफर डील्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा easycoupondeal.com का, तो वहाँ से आप जाके ऑफ़र एंड कैशबैक डील अवेल कर सकते हैं, और इसका डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगा आपको परचेज़ करना हो तो। और इसको परचेज़ करिए और आप अपनी वीडियो की ऑडियो क्वालिटी और इम्प्रूव कर सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Strong.